दुनिया के अठवें अजूबे ताजमहल बारे तो हर कोई जानता है। 16वीं सदी च ताजमहल नूं यमुना नदी के कंढे बनाया गया सी। शाहजहां के सुपनों की इस इमारत का हर कोई दीवाना है, क्योंकि मुगल आर्कीटेक्चर का यह अद्भुत नमूना है। लोग इस नूं सत समंदरों पार देखने लिए दौड़े चले आते हैं। पर की तुसी जानते हो कि ताजमहल एक बार आगरा तो गायब हो गया सी? जी हाँ, तुसी सही सुन रहे हो, एक बार ताजमहल आगरा तो गायब हो गया सी। सो अज आप गल करांगे इस रिपोर्ट के विच कि ताजमहल आगरा तो क्यों गायब होया अते इसके पिछे दे कारण की सन। जदों तो बंगलादेश नूं आज़ादी मिली है उदों तो यह मन्या जा रहा सी कि पाकिस्तान कदे भी भारत ते हमला कर सकता है। 3 सितंबर साल 1971 दी रात नूं पाकिस्तान हवाई सेना दे जहाज़ भारतीय सरहद विच दाखल होए अते एयर स्ट्रिप्स नूं निशाना बनाउणा शुरू कर दिता। उस समय दौरान आगरा का हवाई अड्डा बहुत वड्डा मन्या जांदा सी, इसे करके पाकिस्तान का निशाना आगरा की हवाई पट्टी भी सी। मन्या जांदा है कि पाक हवाई फौज ताजमहल नूं भी अपना निशाना बनाउणा चाहुंदी सी, जिस ते भारत सरकार ने जल्दी ही फैसला लिया अते ताजमहल नूं ढक्कण का हुक्म दिता। 3 दिसंबर की रात में जो पाक हवाई सेना के जहाज़ भारतीय सरहद में दाखिल होए तो पूरे भारत में ब्लैकआउट कर दिता गया। अजिहा इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तान हवाई फौज को कुछ समझ ना आए। इस दौरान आगरा के ताजमहल में हरे कपड़े नाल ढकया गया सी, ताजो चंद्रमा की रात में ताजमहल पाकिस्तान एयरफोर्स को दिखाई ना दे सके। साल 1971 में पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों ने आगरा च दाखिल होकर कुल 16 बंब सुटे सन। उस समय एयर स्ट्रिप्स के 3 बंब सुटे, पर इस नाल हवाई अड्डे नूं घट ही नुकसान होया सी। इस तो इलावा बाकी 13 बंब ब्लैकआउट कारण एयरपोर्ट के आले दुआले के खेतों में सुटे गए, जिस कारण ताजमहल नूं उस समय बचाया जा सकिया सी। फिलहाल के लिए इन्ना ही। प्रदेश विदेश के पंजाब नाल जुड़ी हर वड्डी खबर के लिए तुसी बने रहो ABP साझा के नाल।